क्योंकि विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित किया जाए, क्योंकि यहाँ भी जो है बड़ी संख्या में लोग जो है इकट्ठे एकत्रित होते हैं। रुआ देख रहा बानी बिहार के डिजिटल क्रांति के जनक न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। आज 10 बजे जो है कार्य मंत्रणा का बैठक उन्होंने बुलाया और विषय जो था कोरोना, जो वायरस है, जो नोवेल कोरोना है, उसके संदर्भ में था। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसने जो महामारी जो पूरे दुनिया भर में जो घोषणा की और जो गाइडलाइंस दिए हैं उस पे अमल करने की बात की। आज प्रस्ताव ये था कि जो गाइडलाइंस है कि विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित किया जाए, क्योंकि यहाँ भी जो है बड़ी संख्या में लोग जो है इकट्ठे एकत्रित होते हैं, तो इससे शंका होती है कि भाई देखिए राजगीर में राष्ट्रीय जनता दल का प्रशिक्षण शिविर होना था। उसी दिन सरकार ने बैठक की और पूरे जगह फरमान फैलाया कि ज़्यादा संख्या में लोग जो है वो जुट नहीं सकते, यानी जितना भी कन्वेंशन सेंटर्स थे जहाँ कार्यक्रम था, इस वजह से राष्ट्रीय जनता दल को अपना प्रशिक्षण शिविर जो है वो रद्द करना पड़ा। मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग फैसले में सब लोग साथ हैं, हम लोग सब लोग गंभीर हैं और चाहते हैं कि बिहार में हर तरीके से ये वायरस जो है वो फैले ना, आए ना। इसके लिए जो सावधानी बरतनी होगी वो हम लोग बरतेंगे, लेकिन विपक्षी दल होने के नाते हम लोगों ने अपना कार्यक्रम रद्द किया। तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि बेरोजगारी हटाओ यात्रा पे भी हमारा जो क्रम था वो 19 तारीख को मुंगेर था और भी कई जिलों में ये होना था, जिस कोरोना की वजह से ये नहीं हो पा रहा, रद्द किया हम लोगों ने। लेकिन सरकार को खास तौर पे सरकार के लोग जो हैं इस बात पे अमल नहीं कर रहे। हम विपक्ष दल के होने के नाते सरकार के कोरोना के हर एक फैसले में शामिल हैं। बड़ी गंभीरता दिखाई है बिहार सरकार ने, आप देखिएगा सदन में भी बड़ी गंभीरता की बैठक करते हैं, पूरी बीजेपी की टीम जो है प्रदेश के जो लोग हैं सत्ताधारी दल में रहते हुए वो ही नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। कल जाइएगा तो प्रेम कुमार जी जो है वाटर पार्क क्षमा क्षम का उद्घाटन कर रहे हैं। मतलब आप एक तरफ से गंभीरता दिखा रहे हो, सदन की कार्रवाई जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो कार्रवाई होती है, बिहार के विकास से बिहार के लोगों के सवाल उठाए जाते हैं, आप उसको रद्द कर रहे हैं कि कोरोना ना फैले, ठीक है हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपके जितने बिहार सरकार के जो मंत्री हैं वाटर पार्क का उद्घाटन कर रहे हैं गाइडलाइन आने के बाद भी। एक तरफ जो है स्वास्थ्य मंत्री जो है वो बैठकें कर रहे हैं पार्टी के, तो क्या संदेश? तो ये साफ तौर पे ये नज़र आता है कि जो स्वास्थ्य मंत्री जिसको सबसे ज़्यादा गंभीर होकर के सारे गाइडलाइंस को फॉलो ही नहीं बल्कि फॉलो करवाने का काम करना था वही फॉलो नहीं कर रहा, तो हम पूरे विपक्ष के ओर से मंगल पांडे जी का इस्तीफा मांगने का काम कर रहे हैं। और हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जो हैं तुरंत सरकार की बात ना मानना और जो गंभीरता उन्होंने ना दिखाई, अगर इसी प्रकार से चमकी बुखार में आपने देखा होगा कि क्रिकेट का स्कोर सुन रहे थे क्रिकेट मैच में, अभी जो बैठक कोरोना को लेकर के मुख्यमंत्री कर रहे थे तो मोबाइल में लगे हुए थे, टिकटॉक देख रहे थे, तो अब सरकार को कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। आखिर ऐसा क्या प्रेम है कि मंगल पांडे जी को बर्खास्त नहीं करती सरकार? आखिर नीतीश कुमार जी को ऐसा भय क्यों है, डर क्यों है? वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, चमकी बुखार के समय भी उनका इस्तीफा नहीं लिया, अब कोरोना के समय में भी गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं, पार्टी के कार्यक्रम में घूम रहे हैं, सरकार के खुद को नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार जी मंगल पांडे जी को बहिष्कार क्यों नहीं कर रहे हैं, हटाने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं?
तो हम लोग सब लोग चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी जब सदन में आए, जब वक्तव्य कोरोना पर रखे, तो उससे पहले जो है मंगल पांडे जी का इस्तीफा वो लेने का काम करें, क्योंकि ये अगर हेल्थ मिनिस्टर गंभीर नहीं होगा तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि सारा बागडोर तो उसी के पास है। आप फैसला कुछ भी ले लें, लेकिन इम्प्लीमेंट करवाना, अब बताइए मास्क की कमी है क्या? मंगल पांडे ने इसकी बैठक की कि कैसे इंतजाम करें? किसान से लेकर के सारे व्यापारी जो है तबाह है कोरोना से, और किसान तो बेचारा दोनों तरफ से मारा जा रहा है, एक बारिश की ओर से ओला पड़ रहा है बारिश। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।